देश में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को लेकर प्रशासन कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। शुक्रवार को प्रशासन के द्वारा कोसीकला थाना परिसर में नगर वासियों के साथ बैठक की गई और कोरोना से बचने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कोसीकला थाना परिसर में उपजिला अधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी छाता जितेंद्र कुमार, थाना प्रभारी प्रमोद पवार, कस्बा प्रभारी मनिंदर सिंह उपस्थित रहे। बैठक में नगर के व्यापारियों से कहा कि सभी दुकानदार मास्क का प्रयोग करें और ग्राहकों से ज्यादा मास्क लगाने के लिए निवेदन करें, जिससे कि इस महामारी से बचाव किया जा सके। सभी वाहन चालकों से भी मास्क लगाकर वाहन चलाने की बात कही। जिन लोगों ने अभी तक कोरोना के टीके नहीं लगवाए हैं, वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर टीके लगवा लें। पथवारी देवी मेला कमेटी के अध्यक्ष राम किशन फलैनिया और समाज सेवी अजय गोयंका और माँ भगवती मंडल ने अब की बार केवल फूल बंगले सजाकर देवी माँ के दर्शन कराए जाने के लिए कहा। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग सभी भक्तों के लिए अनिवार्य किया। शुक्रवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। सभी से अपील की गई कि सभी बचाव करें और उचित दूरी बनाकर रखें। बुजुर्गों को बहुत ही इमरजेंसी में घर से बाहर जाने दें। मंदिरों में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। बैठक में जगदीश लाला, अशोक बैठेनिया, हुकम सेठ, मनीष कुमार, शाहिद कुरैसी, कन्हैया लाल गोयल, हरिओम गुप्ता, सुनील कुमार और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये ऊपर से अभी मोदी सरकार भैया ने बता दिया कि ये सरकार बहुत नीचे उस पर आ गई थी, तो संपूर्ण लॉकडाउन तो लग ही नहीं सकता। तो मेरा कहना ये कि ये है आप साहब से कि हमारा साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रहता है, तो अगर एक दिन का वो साप्ताहिक अवकाश हम लॉकडाउन की तरह ही निभाएं, अगर दुकान ना खुले तो उससे भी हो सकता है कुछ संभव हो गए कोरोना की गति थोड़ी। ये समझाव आपको बात करनी पड़ेगी। हाँ सर बताएं, आज जो पीस कमेटी की बैठक हुई है सर, उसमें क्या संदेश दिया गया लोगों को और क्या दिशा निर्देश? आज ये कोसी कोतवाली में थाने पर, यहाँ हमारे कोसी के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और यहाँ के बहुत सारे सम्मानित नागरिकों मीटिंग में आए। ये मीटिंग का विशेष मकसद केवल ये था कि कोविड से कैसे बचाव हो, सभी के साथ चर्चा की गई है कि कड़ाई से 100% लोग मास्क लगा करके ही बाहर निकले, आपस में दूरी बनाए रखें, दुकानदार भी अपने दुकानों के सामने गोले बना लें जिससे लोग दूर दूर खड़े हों, डिस्टेंस का पालन करें। साथ ही साथ अगर कोई कार्यक्रम हो भी रहे हैं तो उसकी परमिशन लेके ही करें। वहाँ पर भी पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मस्त है, साथ साथ तो वहाँ पर भी सबका मास्क का लगाना, दूरी आपस से दूरी का जो सबकी दूरी है 2 मीटर का उसको बनाए रखना, और हमारी ओर से सब बातें रखी गई हैं और यहाँ के सम्मानित गणमान्य लोगों ने भी मेरा पूर्ण समर्थन किया है कि पूरी तरह से हम लोग इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे और यहाँ निश्चित रूप से एक आदर्श स्थिति हम अपनी कोसी में देंगे आपको। और मैं भी आश्वस्त हूँ, यहाँ के लोगों ने पहले भी बड़ी मदद की है, इस मामलों में बहुत अच्छा सहयोग किया है, जागरूकता में भी कोविड को लेकर के इन लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और आज से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग यहाँ से जा करके लोगों में चर्चा करेंगे और कल से चाहे वो बाजार हो, चाहे दुकान हो, चाहे आम जन मानस के उठने बैठने की स्थिति हो, हर जगह कोविड के जो भी मानक है उसको लोग पालन करेंगे। सर साप्ताहिक बंदी के लिए क्या दिशा निर्देश दिए? साप्ताहिक बंदी के मामले में लोगों के सुझाव आए कि साप्ताहिक बंदी यहाँ पर शुक्र को होती है, उनका कहना था कुछ दुकानें खुली रह जाती हैं। व्यापार मंडल ने आह्वान किया कि उसको कड़ाई से बंदी का पालन कराया जाए, उसे लॉकडाउन जैसा ही रूप दिया जावे जो यहाँ के जनमानस के लिए कोविड की दृष्टि से उचित होगा, और ये सबने समर्थन किया है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कोविड को देखते हुए एक दिन जो बंदी है उसको पूरी तरह से बंदी के रूप में रखा जाए, इस बात का पूरा प्रयास करके ऐसा पालन कराया जाएगा। सर लोगों का कहना है जो श्रम अधिकारी आते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, जब बाजार बंद हो जाता बाकी बात वो फिर खुल जाता है, ऐसा आगे नहीं होगा। जब भी श्रम अधिकारी आएंगे उनके साथ में मेरी पुलिस अधिकारी भी होंगे साथ में, दोनों की ज्वाइंटली टीम मैं भ्रमण कराऊंगा और कड़ाई से मैं खुद पर्यवेक्षण खुद करता रहूंगा, और मैंने कोतवाल साहब से भी कह रखा है, सीओ साहब के साथ भी रहते हम लोग स्वयं भी पर्यवेक्षण करेंगे, ऐसी कोई स्थिति असहज स्थिति नहीं आएगी।